इंसान के आमाल का ताल्लुक इंसान के यकीन के साथ है कि जैसे उसके अंदर का यकीन होगा बदन से निकलने वाले आमाल उसके एतबार से होंगे। ये अल्लाह जल्ले शान व मन वालों ने हमें दावत तबलीग का जो काम दिया है बहुत आसान सा, ये अपने अंदर के यकीन को बनाने के लिए, अपने ईमान को बनाने के लिए। ये ईमान, ये अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नियामत पर रहमत फरमाई है, और ये सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको पर रहमत फरमाया है वो ईमान की दौलत है। इसलिए कि इनामात तो अल्लाह ताला के बेशुमार हैं, इतने हैं कि कुरान ये कहता है कि वइन तउदू नियामतल्लाह ला तुहसूहा, कि अल्लाह ताला के इनामात इतने हैं कि अगर हम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, तो हम अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतने इनामात अल्लाह ताला के हमारे ऊपर कदम कदम पर, सांस सांस पर अल्लाह ताला की नियामतें बारिश की तरह हमारे ऊपर उतर रही हैं। और ऐसी ऐसी नियामतें हैं कि अल्लाह की एक नियामत बड़ी नियामत होती है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता कि ये भी अल्लाह की नियामतों में से कोई नियामत है। इसलिए कि हर चीज़ की कदर व कीमत, हर चीज़ की कदर व कीमत आदमी को उस वक्त पता चलती है जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। जब तक कोई चीज़ आदमी के हाथ में होती है उसकी कदर व कीमत का अंदाजा नहीं होता, जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तो पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी दौलत खोई है। इसलिए इनामात तो बेशुमार है, लेकिन इन तमाम नियामतों में सबसे बड़ी नियामत जो अल्लाह ने मुझे और आपको मरहमत फरमाई है वो ईमान की दौलत है। इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर ईमान के बगैर आदमी इस दुनिया से चला गया, ईमान के बगैर अगर इस दुनिया से चला गया, फिर कल क़यामत के दिन अपनी जान के फिदिये में दुनिया का सारा सोना चांदी भी दे देगा, तब भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता।